नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम देश की राजनीति के बारे में कुछ सवाल करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि वे हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े, नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा की कि राहुल गांधी फिर से एक यात्रा पर निकल रहे हैं। ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी, 20 मार्च तक चलेगी और इसका नाम भारत न्याय यात्रा दिया गया है। कांग्रेस के लिहाज से, विपक्ष के लिहाज, राजनीति के लिहाज से आप इस यात्रा की संभावनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए, ये यात्रा एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है कांग्रेस का। और जब मैं इसे रणनीतिक कदम कह रहा हूं तो मैं इसे वोट बटोरने के लिए चलाए गए कार्यक्रम के तौर पर कम देखता हूं। मेरा मानना है कि वो एक समांतर नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से। अगर ये समांतर नैरेटिव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, यानी इस यात्रा के शुरू होने के 8 दिन बाद बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इसका सारे हिंदुस्तान के टीवी चैनल और अखबारों में अयोध्या उत्सव के नाम से एक बहुत ही विशाल प्रचार मुहिम चल रही है और सारे देश में लेके इस बात को सभी मीडिया मंचों के ऊपर बहुत जबरदस्त चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है कि ऐसी चर्चा हो, तमाम विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को उस कार्यक्रम में जाने का न्योता दिया गया है। और स्थिति यह है कि विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें इस कार्यक्रम में जाने का न्योता मिला तो वो जरूर जाएंगे, और नहीं मिला तो इस कार्यक्रम के बाद वहां पर जाएंगे। अभी अभी अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने ये वक्तव्य दिया है। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जो पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। और पूरे देश में जो हिंदुत्ववादी कहानी है, इस देश के हिंदुत्ववादी राष्ट्र में बदलने की जो कहानी है, उस कहानी के चरम उत्कर्ष के रूप में सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि एक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो और उसके ठीक 2-3 महीने बाद वो लोकसभा का चुनाव जीते और इस देश के हिंदुत्ववादी बन जाने की अंतिम घोषणा हो जाए। पूरी कोशिश जो है वो इस लक्ष्य की तरफ उन्मुख है। तमाम जो भाजपा के प्रचारक हैं, जो मीडिया मंचों में बैठे हुए हैं, वो ऊंची आवाज में कह रहे हैं कि अब चुनाव का मुद्दा राम मंदिर होगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जो उछाल मिलेगा उसकी कोई सीमा नहीं है। जो सी वोटर का अभी सर्वे हुआ था उसमें भी, उसकी समीक्षा में भी बार बार ये बात कही गई कि अभी तो हालत ये है, जब राम मंदिर का एक बार हो जाएगा 22 जनवरी को, उसके बाद देखिए सब सर्वे कीजिए, तब और समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 400 से ज्यादा सीटों की तरफ चल पड़ेगी। तो ये इसका मुकाबला करने के लिए, इससे टक्कर लेने के लिए, इसके समांतर एक दूसरा डिस्कोर्स खड़ा करने के लिए राहुल गांधी ने अपनी यात्रा निकाली है, जो पिछली यात्रा से कम समय की यात्रा होगी, पिछली यात्रा से कम लंबी यात्रा होगी, पिछली यात्रा के मुकाबले ज्यादा जल्दबाजी में फटाफट ये यात्रा निपटाई जाएगी। इस यात्रा का नाम भी अलग है, पिछली यात्रा का नाम था भारत जोड़ो यात्रा, इसका नाम है भारत न्याय यात्रा। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस, और मैं समझता हूं जो गैर भाजपा विपक्ष है, वो जिस बात पर जातिगत जनगणना के सवाल पर जोर देना चाहते थे, सामाजिक न्याय के प्रश्न पर, उसी सामाजिक न्याय के प्रश्न को राष्ट्रीय मंच पर इस यात्रा के जरिए एक बार फिर से प्रतिष्ठित करने की कोशिश वो करेंगे। मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता इन 3 राज्यों में इस बात को प्रतिष्ठित नहीं कर पाए विभिन्न कारणों से। अब वो इस यात्रा के जरिए इस बात को प्रतिष्ठित करेंगे। और आपको ध्यान होगा, जब 3 विधानसभा चुनावों की मुहिम चल रही थी और जब भी कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की, कांग्रेस की तरफ से जातिगत जनगणना का सवाल उठाया जाता था, तो भाजपा की तरफ से कहा जाता था कि हम आपको रामलला के दर्शन मुफ्त कराएंगे। तो वो जो एक जद्दोजहद थी, उसी जद्दोजहद को और बड़े और विमर्शी रूप में ये यात्रा स्थापित करेगी। तो एक तरह से देखा जाए कि राम मंदिर के समांतर, बिना उसका विरोध किए हुए, बिना उसको खारिज किए हुए, एक तरफ विपक्ष के नेता राम मंदिर के कार्यक्रम में बहुत से नेता जाएंगे, हो सकता कांग्रेस के भी बहुत से नेता जाए उसके अंदर, बिना उसको किए हुए एक दूसरा नैरेटिव भी साथ साथ में सेट करने की ये कोशिश होगी। और ये भी क्या कहा जा सकता है कि चुनावी राजनीति के लिहाज से ज्यादा सोच समझकर तैयार की गई यात्रा है, क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ भी है, महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, बिहार है,
पश्चिम बंगाल है, तो ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, जहां कांग्रेस अभी हाल में चुनाव हारी है, तो ये कहा जा सकता है कि चुनावी राजनीति में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थोड़ी ऊर्जा दे सकती है। देगी ही, मेरे ख्याल से इस यात्रा की वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां जहां से यात्रा गुजरेगी उसकी अगवानी करने के लिए, जब यात्रा उस प्रदेश में होगी उस वक्त, यात्रा जब उस प्रदेश से जाएगी उस वक्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होगा। यात्रा के गुजर जाने के बावजूद भी वो कोशिश करेंगे कि उनका उत्साह बना रहे, क्योंकि उसका सीधा संबंध चुनाव की तैयारियों से होगा। और अगर ये यात्रा उनकी चुनाव की तैयारियों को एक बड़ा उछाल दे पाती है तो ये एक तरह से चुनाव में सीधे सीधे योगदान भी करेगी। मैं ये मानता हूं कि ये एक बहुत ही विशाल भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही वैसा ही एक बहुत ही विशाल जनसंपर्क अभियान है, और क्या ही बेहतर होगा कि अगर कांग्रेस कोशिश करके इस जनसंपर्क अभियान को इंडिया गठबंधन का जनसंपर्क अभियान बना दे। कांग्रेस राहुल गांधी का कार्यक्रम रहेगा, इसके केंद्र में राहुल गांधी रहेंगे, ये कांग्रेस की यात्रा रहेगी औपचारिक रूप से, उस कांग्रेस के संगठन की यात्रा रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर अनौपचारिक रूप से इसमें ये इंडिया गठबंधन की यात्रा बन जाए तो उससे बड़ी गैर भाजपा राजनीति कोई हो नहीं सकती। क्या ये जो राम मंदिर का मसला है उस पर ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं है, या कम से कम भाजपा और जो गोदी मीडिया है उसके पास उसके बारे में हल्ला मचाने के लिए काफी कुछ है? यानी मैं यहाँ इस बयान का जिक्र करना चाहूंगा जो सैम पित्रोदा ने दिया, उन्होंने बहुत एक सामान्य सा, मुझे तो सामान्य सा लगा कि प्रधानमंत्री मंदिरों में ज्यादा जा रहे हैं, उन स्कूलों में और विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों की दशा देखनी चाहिए, पर उस पर भी काफी ये कहा गया कि कांग्रेस और कांग्रेस के लोग राम मंदिर को बुरी नजर से देख रहे हैं। देखिए, सैम पित्रोदा वगैरह को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जिस तरीके से किसी जमाने में सब लोग समाजवादी हुआ करते थे, इस तरह किसी जमाने में सब लोग आपस में होड़ करके सेकुलर हुआ करते थे, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने आप को सेकुलर और दूसरे को छद्म सेकुलर कहना शुरू कर दिया था, मतलब सेकुलरिज्म के विमर्श का ये बोलबाला था। उसी तरीके से आज राम मंदिर का विमर्श है। आप इसके खंडन मंडन में अगर अपना समय और ऊर्जा खर्च करेंगे तो उससे आपकी विचारधारात्मकता को कुछ थोड़ा बहुत वो मिल जाए, तसल्ली मिल जाए, तो वो तो ठीक है, वो आप घर पे बैठे आप उसका मजा लेते रहिए, लेकिन उससे कोई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में की जाने वाली राजनीति को उससे कोई फायदा नहीं होगा। बजाय इसके कि आप राम मंदिर वाले कार्यक्रम की आलोचना करें या उस पर कुछ छींटाकशी करें या उसके ऊपर कोई फप्ती मारें या कोई ऐसी बात कहें जो विवाद, जिससे आप विवाद में फंसे, आपको चाहिए कि आप अपना समांतर कार्यक्रम करें, आप अपनी राजनीति करें। और ये जो भारत न्याय यात्रा है ये उसी रणनीति का प्रमाण है। तो राहुल गांधी ने तो राम मंदिर के ऊपर कोई वक्तव्य नहीं दिया, न सोनिया गांधी ने कोई वक्तव्य दिया है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई वक्तव्य दिया है। तो ये जहां तक मंदिरों में जाने का मामला है, इंदिरा गांधी भी मंदिरों में जाती थी, राजीव गांधी भी मंदिरों में जाते थे, शंकराचार्यों के पास भी जाते थे। आप देखिए, नरेंद्र मोदी थी शंकराचार्य के पास नहीं गए, इंदिरा गांधी तो बहुत शंकराचार्यों के पास जाती थी। अर्जुन सिंह का और अरुण नेहरू का काम ही ये था उन्हें शंकराचार्यों के पास ले जाना। तो ये सब पहले होता रहा है। आप सैम पित्रोदा अगर इस तरह की बात कहते हैं तो खुद कांग्रेस का इतिहास वो नहीं देख पा रहे। तो ये कहने की बजाय आप अपनी राजनीति कीजिए जो आप करना चाहते हैं। भाजपा का काम राम मंदिर की राजनीति करना है, वो राम मंदिर की राजनीति कर रही है, उसमें वो सफल है। आपको अपनी राजनीति सफल करनी है कि नहीं करनी है? देखिए, भाजपा राम मंदिर की बात जब करती है, उसकी जब राजनीति करती है, तब भाजपा अपने प्रभाव क्षेत्र को और मजबूत करती है और पुष्ट करती है और नए क्षेत्रों में अपने विस्तार की संभावना टटोलती है, यही तो मतलब है उसका। इसके बावजूद भी 50% वोट अगर मान लीजिए भाजपा के साथ हैं तो 50% वोट भाजपा के विरोध में है। 50% वोट में जो भी पड़ता है वो भाजपा को मिल जाता है, जो विरोध में वोट पड़ता है वो कई हिस्सों में टूट जाता है, क्योंकि विपक्ष में एकता नहीं है। विपक्ष का काम यह है कि विरोध के वोट को भी, जिस तरह भाजपा के मंच पे वोट चला जाता है उसी तरह एक मंच बना के वहां पे वो वोट चला जाए, तो फिर भाजपा को चुनौती मिल पाएगी। अभी ये जो हुआ था कार्यक्रम, जो सी वोटर का सर्वे हुआ था, इससे भी बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि जिन इलाकों में भाजपा विरोधी मोर्चा बन गया है, जैसे महाराष्ट्र में बन गया है, बिहार में बन गया है, केरल में बना हुआ है मोर्चा, भाजपा तो वहां है नहीं लेकिन मोर्चा बना हुआ है, तो वहां पे जो विपक्ष है वो न केवल भाजपा को करारी टक्कर दे रहा है बल्कि उससे आगे है।
अगर आप मोर्चा बनाएंगे, सीटों का तालमेल देर सवेर हो ही जाएगा अगर मोर्चा एक बार बन गया तो। अगर आप मोर्चा बना लेंगे तो आप भाजपा से लड़ पाएंगे, नहीं मोर्चा बना लेंगे तो जनता एक तरफा फैसला देगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो आपने जो अगली यात्रा राहुल गांधी की होने वाली, उसमें आपने वैकल्पिक नैरेटिव की बात की, तो क्या उस वैकल्पिक नैरेटिव में जो न्याय शब्द है उसके आसपास बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा जोर देना शामिल है? नहीं, ये तो होना ही होगा ही। देखिए, जब सामाजिक न्याय की बात की जाती है तो अगर आप केवल ओबीसी, दलित और आदिवासी की ही बात करेंगे तो ये तो पुरानी शैली होगी। इसके साथ में आप बेरोजगारी की बात करेंगे, इसके साथ आप महंगाई की बात करेंगे, इसके साथ आप ये बताएंगे कि देश में अर्थव्यवस्था का जो विकास हो रहा है उस विकास का ज्यादा फायदा किसको मिल रहा है और बाकी लोगों को तो केवल मुफ्त अनाज मिल रहा है, तो ये सब बातें आप बताएंगे। अभी जैसे प्रोफेसर अरुण कुमार ने बताया है कि हर साल तकरीबन अगर भारत में रोजगार की स्थिति को सुधारना है तो सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में मिलाकर करीबन 1,20,00,000 या 1,50,00,000 करीब रोजगार पैदा होने चाहिए। रोजगार जो पैदा हो रहे हैं वो 22-23 लाख ही होते हैं रोजगार पैदा, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी ईशान बख्शी ने इंडियन एक्सप्रेस में बहुत विस्तार से एक लेख लिख के ये दिखाया है कि किस तरीके से ये जो अच्छी रफ्तार से जो अभी आंकड़ा आया है कि अर्थव्यवस्था में उछाल आई है, इसका लाभ रोजगार पैदा होने में नहीं निकला है। ये जो हिंदुत्व की राजनीति है उसके बारे में विपक्षी दलों या कांग्रेस की रणनीति क्या होनी चाहिए, यानी कि क्या उसमें शामिल हों, उससे जुड़े तब उसे नरम हिंदुत्व कहा जाने लगता है, या फिर वो उसका निषेध करें या मौके के अनुसार उस पर निर्णय लें? उनके मानना यह है कि उस राजनीति के साथ इन लोगों को कोई संवाद नहीं करना चाहिए। उस राजनीति का जो मुसलमान विरोधी पहलू है, केवल उस अगर वो पहलू जब जहां जहां मुखर होता है तो उसके साथ आप संघर्ष करें, वो बात समझ में आती है। लेकिन बाकी उस राजनीति से निपटने का या उसका मुकाबला करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको अपनी राजनीति करनी, इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप खुद ही हिंदुत्ववादी राजनीति करने लगे, जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल करते हुए नजर आए थे। भूपेश बघेल ने पिछले 5 साल में क्या किया? भूपेश बघेल ने राम वन गमन पथ बनवाया, सीता कुटीर बनवाई, उन्होंने कृष्ण कुंज बनवाया, उन्होंने राधा मंदिर बनवाए, उन्होंने जब हिंदुत्व के ऊपर कोई भी कार्यक्रम होता था जब भी हिंदुत्व के ऊपर कोई कार्यक्रम होता था तो वो सरकार से उसको मदद भी देते थे। जब विश्व हिंदू परिषद वाले धर्म ईसाई बन चुके आदिवासियों की कब्रों को उखाड़ के उनका मुर्दा निकाल के बाहर फेंक देते थे, उनके खिलाफ कोई भी पुलिस की कार्रवाई नहीं होती थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा बड़े हिंदुत्ववादी हो गए थे। दोनों के बीच में फर्क मिट गया था। अगर आप रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल से तुलना करें तो इस मामले में पाएंगे कि रमन सिंह ज्यादा हिंदुत्ववादी बनने की कोशिश करते हुए दिख रहे थे। भूपेश बघेल ज्यादा हिंदुत्ववादी बनने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेश बघेल ज्यादा हिंदुत्ववादी बनने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं समाजवादी पार्टी के नेता, वो हमेशा ही इस तरीके से बयान देते हैं जिससे कि ये बिल्कुल ना समझ है। ये केवल भाजपा वालों को मौका देते हैं अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए। ये जो ओवैसी हैं, ये पिछड़े वर्गों में से पैदा हुए ओवैसी किस्म के लोग हैं। लेकिन क्या वो किसी भाजपा तो उत्सुकता से प्रतीक्षा करती है कि ये लोग कोई वक्तव्य दें। लेकिन क्या किसी मतदाता समूह को आकर्षित भी करते हैं? नहीं करते हैं, कोई किसी मतदाता समूह को आकर्षित नहीं करते। ये पिछड़े वर्गों की जो विचारधारात्मक राजनीति डॉक्टर लोहिया के जमाने में चलती थी, जो कि रैशनलिज्म की वकालत करती थी और जाति तोड़ों की वकालत करती थी, राजनारायण जी डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में चलती थी, उस राजनीति का बचा खुचा रूप है और इसके अलावा इसके अंदर कोई दम नहीं है। वो उस राजनीति का वक्त निकल चुका है। मीडिया में बार बार आज मैं देख रहा था खबरें चल रही नीतीश कुमार को लेकर, अब पता नहीं वो क्या निर्णय लेंगे, लेकिन मैं एक काल्पनिक सवाल पूछना चाह रहा था कि क्या नीतीश कुमार इस समय इस मौके पर ये निर्णय ले सकते हैं, राजनीतिक रूप से उनके लिए मुफीद होगा कि वो एनडीए में वापस चले जाएं, इसकी संभावना लगती है आपको? मुझे तो नहीं लगती संभावना इसकी होने के लिए, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे इसकी संभावना, नीतीश कुमार जितनी दूरी तक जा चुके हैं मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी भी हाथ पसार कर उन्हें अपने आगोश में ले लेगी। देखिए, आज अगर इस ऐन मौके पर नीतीश कुमार इसमें भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपने जनाधार को जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपने इस बंदे को क्यों लिया जो 2 बार आपका साथ छोड़ चुका है। नीतीश कुमार को भी जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है दोनों को ही नुकसान होगा इसके अंदर।
भाजपा ना लेगी ना नीतीश कुमार जाएंगे। तो ये सारी खबरें जो है आमतौर पर एक कंफ्यूजन पैदा करने का हिस्सा मानी जानी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि नीतीश, क्योंकि इंडिया गठबंधन का अभी स्वरूप नहीं बना है, उसका संयोजक वगैरह नहीं बना है, तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं, तरह तरह के एंगल निकाले जाते रहते हैं। जी, तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, हम कल फिर मिलेंगे और प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको धन्यवाद, नमस्कार।